बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान आए दिन किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में बनी ही रहती हैं। करीना कपूर अपने खास अंदाज से लोगों का दिल भी चुरा लेती हैं। कभी वो अपने वेकेशन फोटो शेयर करती हैं, तो कभी वो अपने बच्चों की लेटेस्ट तस्वीर शेयर कर सोशल मीडिया पर धमाल मचा देती हैं। करीना और सैफ की जोड़ी को फैंस प्यार से सफीना भी बुलाते हैं, लेकिन हाल ही में हुस्न परी करीना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में करीना को देख लोगों के तो भाई होश उड़ गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में, मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। करीना और सैफ को बिल्डिंग के बाहर स्पॉट किया गया। इस मौके पर इस कपल ने कुछ ऐसा किया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। सैफ अली खान और करीना कपूर खान इन दिनों अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत बिजी चल रहे हैं। ऐसे में रविवार को इस कपल का एक वीडियो सामने आया जिसमें दोनों अपनी बिल्डिंग से एक साथ गाड़ी की तरफ जाते नजर आए। इस बीच सबका ध्यान दोनों ने तब खींचा जब दोनों ने लिप लॉक किया। दोनों की इस वीडियो से सामने आते ही चारों तरफ तहलका मच गया है। एक तरफ जहां यूजर्स इस कपल को क्यूट बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग ने इन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। वहीं तो फैंस का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ये लोग। वहीं एक यूजर ने लिखा, लगता है बेडरूम कम पड़ गया था प्यार दिखाने के लिए। वहीं दूसरा यूजर लिख रहा है, ये सब रूम के अंदर भी हो सकता था, संस्कृति को खराब कर रहे हो। वहीं तीसरा यूजर ने लिखा, घर में टाइम नहीं मिलता किस करने का क्या। एक अन्य यूजर ने लिखा, ये लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करते रहते हैं। वहीं सैफ करीना के वर्क फ्रेंड की बात की जाए तो करीना कपूर खान आखिरी बार फिल्म क्रू में नजर आई थी। ये फिल्म पर्दे पर हिट साबित हुई थी। वहीं अब एक्ट्रेस जल्द ही रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में नजर आएंगी। वहीं सैफ अली खान के काम की बात करें तो उन्हें लास्ट टाइम फिल्म आदि पुरुष में देखा गया था जिसमें वो रावण के किरदार में नजर आए थे। वो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म देवरा पार्ट 1 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।